हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं इंडोनेशिया घूमने का खर्च और देने वाले इसकी पूरी जानकारी। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। मेरा नाम है विष्णु दैया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड टूर हिंदी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, जो जमीन के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा और संयुक्त समुद्र और भूमि क्षेत्र में 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ ही इस देश में तेल और प्राकृतिक गैस, सोना, टीन और तांबे जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है। इंडोनेशिया प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के कुछ खास आकर्षणों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अपने जीवन काल में प्रत्येक पर्यटक कम से कम एक बार इंडोनेशिया की यात्रा करने का सपना जरूर देखता है। यह देश एक बहुत बड़ा पर्यटक द्वीप है, जिसके 8 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और 19 अन्य स्थायी सूची में है। पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की करेंसी की। इंडोनेशिया में रुपया करेंसी चलती है। भारत का एक रुपया इंडोनेशिया के 196 रुपये के बराबर है। इंडोनेशिया में जाकर आप लखपति बहुत आसानी से बन जाओगे। पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के वीज़ा के बारे में। भारतीयों के लिए इंडोनेशिया की वीज़ा प्रक्रिया बाली। इंडोनेशिया घूमने जाने के लिए भारतीयों को 30 दिन का वीज़ा मिलता है। वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको 1800 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप 30 दिन से कम के लिए इंडोनेशिया घूमने जा रहे हैं तो आपको वीज़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सुविधा का लाभ आप इंडोनेशिया के कुछ चुने हुए एयरपोर्ट से एंट्री लेकर ही कर सकते हैं। आप वीज़ा की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं भारत से इंडोनेशिया कैसे जाएं। इंडोनेशिया जाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हवाई मार्ग है। भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर इंडोनेशिया के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। इंडोनेशिया का नगुराए राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत से अच्छी तरह से जुड़ा है। इसके अलावा बाली में डेपांस्ट एयरपोर्ट और सोकोनो हल्टा जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडोनेशिया में प्रमुख एयरपोर्ट है, जो कई इंटरनेशनल और घरेलू एयरलाइंस की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। हम आपको बता दें कि भारत से इंडोनेशिया की फ़्लाइट टिकट 25,000 से लेकर 35,000 रुपये तक हो सकती है। यह तो बात हुई भारत से इंडोनेशिया कैसे जाए। अब बात करते हैं कि इंडोनेशिया जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। आप आसानी से दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडोनेशिया में आप कहाँ रुक सकते हैं। इंडोनेशिया की खूबसूरत वादियों और समुद्री तटों पर घूमने के बाद यदि आप यहाँ किसी रुकने के स्थान की तलाश में हैं तो हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, जहाँ आप शहर में आपको ठहरने के लिए अच्छे विकल्प मिलेंगे। आप अपनी सुविधा और डेस्टिनेशन के अनुसार किसी भी होटल का चुनाव कर सकते हैं। आपको वहां हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे। अगर आप 5-स्टार होटल लेने की सोच रहे हैं तो आपको 5,000 से लेकर 25,000 के बीच तक के होटल आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप कम बजट में इंडोनेशिया में रुकना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल, गेस्ट हाउस कम कीमतों पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको 1,000 से लेकर 5,000 के बीच तक के कमरे मिल जाएंगे। ये तो बात हुई इंडोनेशिया में आप कहाँ रुक सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडोनेशिया में आप कहाँ घूम सकते हैं। इंडोनेशिया घूमने के लिए बेस्ट जगह है इंडोनेशिया की प्रसिद्ध जगह बाली। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इंडोनेशिया में घूमने लायक जगह उबड़, बाटम, गिली एयर, सुरबाया, शेमरंग, टिंग पठार, मैडन, गिली ड्रैवगन, बोरोबुद्धुर मंदिर, लूसा लैम्बोगन, कोमोंडो द्वीप, पड़ंग, गिली गेंदे और भी बहुत जगह है इंडोनेशिया में घूमने लायक, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम किसी और
वीडियो में इंडोनेशिया में घूमने लायक जगह पर एक पूरी वीडियो जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं इंडोनेशिया में खाने पीने की। इंडोनेशिया में आपको एक समय का खाना आपको 800 से 1000 रुपये के बीच पड़ जाएगा और एक पानी की बोतल 30 रुपये से 50 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की नाइट लाइफ के बारे में। इंडोनेशिया की नाइट लाइफ के लिए बाली और जकार्ता बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। यहाँ के हार्ड रॉक कैफे जैसे प्रसिद्ध नाइट लाइफ के स्थान हैं। इनके अलावा जकार्ता में जेंजा, प्रपावासी, डेगनफली, एम्पीरी कुछ सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब है। इंडोनेशिया अपनी नाइट लाइफ के लिए प्रसिद्ध है देश है जहाँ आप 3 से ज़्यादा रात में इंजॉय कर सकते हैं। इंडोनेशिया में आपको देर रात तक नाइट शो देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से देश पे देखना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।